नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसलीन अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर। टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड ओआरएस डे। ओआरएस इस सेंचुरी की मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में दस्त के कारण, डायरिया के कारण होने वाली डिहाइड्रेशन से बहुत सारे बच्चों की अंडर 5 मोर्टैलिटी रहती है। समय से बच्चों को पानी पूरा नहीं हो पाता या इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चों में पानी की कमी हो सकती है एंड बच्चों में इरिवर्सिबल शॉक एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है और जान भी जा सकती है। इसके अलावा दस्त में बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे हम सोडियम और पोटेशियम की इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ओआरएस क्या है? ओआरएस इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब मुंह के रास्ते बच्चे के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की मात्रा पूरी करना। ओआरएस अगर हम सही ढंग से बनाते हैं और बच्चे को धीरे धीरे चम्मच से स्लो स्लो करके सिप सिप में देते हैं, तो बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन या डायरिया की वजह से हो रही डिहाइड्रेशन में ये हेल्प करता है। उसमें आपका ग्लूकोज और सोडियम एक इक्वल मात्रा में होता है, जो हेल्प करता है बॉडी में, इंटेस्टाइन्स में जाके, आंतरी में जाके पानी की कमी पूरी करने से। अगर बच्चा मुंह के रास्ते नहीं ले सकता तो हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से भी बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसको सही मात्रा में बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपके पास 1 लीटर का पैकेट है तो उसको 1 लीटर पानी में ही घोलिए और उसको आप 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि आप थोड़ा सा पानी लेके अंदाजे से उसको घोलें, ताकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की कंसंट्रेशन प्रॉपर हो और वो बच्चा के इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन उसकी हो सके। अगर हम कम ज़्यादा मात्रा में इसको घोलते हैं तो प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं मिलती एंड देर कुड बी इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स। अलॉन्ग विथ ओआरएस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट और द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इज जिंक सप्लीमेंटेशन। ओआरएस और जिंक, अगर आपके बच्चे को जैसे ही दस्त लगते हैं, अगर आप स्टार्ट करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, हर थोड़ी थोड़ी देर में आप बच्चे को एक एक दो दो घूंट दे सकते हैं, तो आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज होने से और आईवी लाइन से बच सकता है। सो दस्त का सही ट्रीटमेंट इज ओआरएस, नॉट आईवी फ्लूइड्स। सो व्हेनेवर योर बेबी गेट्स डिहाइड्रेशन और डायरिया और वॉमिटिंग नेक्स्ट टाइम, उसको आईवी फ्लूइड लगवाने की बजाय आप उसको ओआरएस स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको बच्चे को सिवियर डिहाइड्रेशन से बचा सकें एंड यू कैन हेल्प द बेबी रिकवर अर्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।